जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 600 वाट मोनो एम्पलीफायर बोर्ड। दोस्तों ये प्रॉपर 600 वाट आपको दे सकता है अगर आप इस पर ट्रांसफार्मर अच्छा लगाते हैं, ज़्यादा एम्पियर का, ज़्यादा वोल्ट का, ठीक है। ये एमबी कलेक्शन का बोर्ड है दोस्तों, कल ही फ्लिपकार्ट से आया है और आप भी इसको फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं अगर आपको मंगवाना है। काफ़ी अच्छी हीट सिंक क्वालिटी, देख सकते हैं कितनी मोटाई है हीट सिंक की। और यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा बोर्ड की और किसके कनेक्शन ही बताऊंगा और क्या कंपोनेंट किस लिए लगाया है दोस्तों बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ट्रांजिस्टर यहाँ पर हैं 2SC5200 और 6 ट्रांजिस्टर धरे हैं 2SC5200। और यहाँ पर जो एक ट्रांजिस्टर ये लगा है और एक ट्रांजिस्टर इस साइड लगा है दोस्तों, ये दोनों ही ट्रांजिस्टर इन सभी ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर 600 वाट मोनो एम्पलीफायर बोर्ड है। इस पर दोस्तों 50/0/50 ट्रांसफार्मर 15 एम्पीयर का कम से कम चलाना है आपको। आप 55/0/55 60/0/60 भी यूज कर सकते हैं। इससे अगर अधिक आप इसको यूज करेंगे, इससे अधिक वोल्टेज अगर आप इसको देते हैं तो दोस्तों आपका बोर्ड ख़राब हो सकता है। यहाँ पर आपको इसके बारे में बताओ दोस्तों, इस तरह से आप देखें यहाँ पर कॉइल लगी है दोस्तों स्पीकर के लिए। यहाँ पर स्पीकर का आउटपुट कॉइल से होकर जाएगा। यहाँ पर 12 वोल्ट रिले लगी है जो कि 12 वोल्ट DC से ऑपरेट होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं दो कनेक्टर भी हैं दोस्तों यहाँ पर। इस तरह से अगर आप बोर्ड को सीधा करोगे, इस बोर्ड को 600 वाट के बोर्ड को, सिर्फ इसी बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, सभी बोर्ड का अलग डिज़ाइन होता है। तो जो नीचे वाला है यहाँ पर रेड सिग्नल की जो LED है साथ में आई है दोस्तों, दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये लगी हुई थी लेकिन मैंने निकाल दी। रेड और ग्रीन दो LED और नीचे कनेक्टर साथ में है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ पर रेड LED लगेगी और ऊपर वाले में ग्रीन लगेगी, यानी कि अगर आपका जब ऑन होगा रिले चलेगी दोस्तों, यहाँ पर सर्किट ऑन होगा तो ग्रीन LED चलेगी और अगर सर्किट में कोई फॉल्ट होगा तो दोस्तों यहाँ पर रेड जो LED है वो आपकी ग्लो होने लगेगी। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये कनेक्टर दे रखा है, यहाँ पर ऑडियो इनपुट होगी, ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हैं यहाँ पर, ऑडियो इनपुट होगी और यहाँ से ये ड्राइव के लिए ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये भी ड्राइव के लिए ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये रजिस्टर लगे हैं 5 वॉट। यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको कितने ओम्स के हैं ये, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा ब्लर हो रहा है, 5 वॉट 33J 33 ओम के रजिस्टर हैं दोस्तों। यहाँ पर MB कलेक्शन का ये बोर्ड है। यहाँ पर आपको 50/0/50 50+ ग्राउंड और माइनस DC वोल्टेज देने हैं दोस्तों। आपको पावर सप्लाई यूज़ करनी है AC DC पावर सप्लाई, जो कि AC वोल्टेज को हमारे DC में यहाँ पर DC देने हैं, AC नहीं देने हैं। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर स्पीकर आउटपुट होता है, यहाँ पर स्पीकर का प्लस और माइनस। यहाँ पर आपको बड़ा ही स्पीकर यूज़ करना है, ठीक है। 600 वाट एम्पलीफायर है, छोटा स्पीकर पर ज़्यादा वॉल्यूम ना करें, आपका स्पीकर चल सकता है। इसके वेट की बात करूँ दोस्तों तो ये 2.5 किलो के समथिंग है, एक 1.70 kg, ठीक है। तो 2.5 किलो इसका वेट है, ठीक है। हैवी हीट सिंक है, काफ़ी वेट है ये नहीं है, ठीक है। कंपोनेंट की क्वालिटी आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वन नहीं कह सकते लेकिन दोस्तों ठीक ठाक है, जिस प्राइस में बोर्ड है उस हिसाब से अच्छे कंपोनेंट इसके अंदर लगे हैं। ये प्रॉपर 600 वाट है दोस्तों। इसका ट्रांसफार्मर भी ऑर्डर कर दिया गया है, वो भी फ्लिपकार्ट से आएगा, 50/0/50 15 एम्पीयर। उसकी भी अनबॉक्सिंग आपको मैं करके दिखाऊंगा। आपको भी अगर ऐसा बोर्ड मंगवाना है तो आप फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक कनेक्शन और बताने से रहेगा दोस्तों, यहाँ पर एक कनेक्शन दिया रखा है तो यहाँ पर आपको AC वोल्टेज देने हैं, 0/12 वोल्टेज यहाँ पर AC, जिससे यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पर डायोड लगा है, डायोड का ब्रिज बना रखा है, ठीक है। और यहाँ से फिल्टर होकर ये रिले ऑपरेट होगी तभी हमारा बोर्ड चालू होगा, नहीं तो हमारा बोर्ड चालू नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कनेक्शन सारे इसके पता चल गए कहाँ पर कौन सा कनेक्शन होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑडियो कार्ड से बेस ट्रिबल में कनेक्शन, बेस ट्रिबल से यहाँ पर ऑडियो इनपुट देनी है और इसको सप्लाई देनी है, यहाँ पर स्पीकर जोड़ना है और यहाँ पर 0/12 देने हैं। और यहाँ पर आपके LED के दो हैं, ऊपर वाले में ग्रीन, नीचे वाले में रेड, ठीक है। कोई ज़्यादा इसके हैवी कनेक्शन नहीं है, कोई भी इसको घर पर लाकर बना सकता है। और दोस्तों जल्द ही मैं आपको इसका एम्पलीफायर बनाकर और दो ड्यूअल 12 इंची पर इसको बजा कर दिखाऊँगा, इसका परफॉर्मेंस भी आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।